हाय गाइस, मैं शीला हूँ। शीला की ब्लॉग्स में आप लोग का स्वागत है। मैं थोड़ा बिजी हूँ आज, तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी मैं बोल रही हूँ। आप लोग कैसे हो? मैं आप लोग के प्यार से अच्छी हूँ। आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। चलिए, मैं आप लोगों के साथ आज चना का भेज सब्जी का रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप लोग पूरा वॉच कीजिए, और वॉच करके अच्छा लगे तो मुझे लाइक शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस, जो नया है। और चलिए तो मैं दिखा देती हूँ मैं क्या क्या ली, कैसे बनाते हैं इसको। चना का सब्जी बहुत तरीके से बनते हैं, बट शीला तो आप लोग को पता ही है, शीला अपने तरीके से बनाना पसंद करता है। तो चलिए मैं अपना तरीके से आप लोग को सिखा देती हूँ, और आप लोग प्लीज़ घर में एक बार ट्राई करके देखना, तो आप लोग को पता चलेगा इसमें कितना टेस्ट होता है खाने में और हेल्दी भी है। तो चलिए मैं आप लोग के साथ शेयर कर लेती हूँ। देखिए गाइस, मैं यहाँ 500 इसमें देख सकते हो आप, मैंने बॉईल कर लिए, इसमें 12 सीटी मार ली है। 500 चना है, काला चना, और इसमें मैं पहले से तेल मस्टर्ड ऑयल 2 चम्मच दी है, और उसके अंदर गोटा जीरा ऐड कर दिए। ओके, अब देखिए मैं आगे क्या करती हूँ। इसमें हम मिक्सी में यहाँ मसाला पेस्ट करके रखी हूँ, क्योंकि मेरे घर में आज गेस्ट आने वाले हैं, तो मैं बहुत बिजी हूँ, तो इसीलिए जल्दी जल्दी मैं दिखा रही हूँ आप लोग को। मैं यहाँ क्या बोलते हैं कि जस्ट जीरा 2 चम्मची, बड़ा चम्मची अदरक और मिर्चा, कच्चा मिर्चा, यही पेस्ट करके रखी हूँ। ठीक है, तो मैं इस पेस्ट से बनाऊँगी। चलिए मैं आगे दिखाती हूँ आप लोग। देखिए गाइस, मैंने मसाला को ऐड कर दिए, इसमें थोड़ा आलू भी देंगे बाद में, आप लोग देख ही सकते हो। मैं मसाला को अभी अच्छे से भूनूंगी। देखिए गाइस, मैंने इसके अंदर 1 चम्मची बड़ा चम्मची हल्दी टर्मरिक ऐड कर दिए, और 1 चम्मची अंदाज अनुसार मेरा तो नमक को ऐड कर दिए इसमें, और कुछ नहीं दिया। हम जीरा को, जीरा अदरक और जो काचा मिर्चा था उसका जो पेस्ट था उसको फ्राई कर दिया अच्छे से। ये ज़्यादा फ्राई नहीं करना पड़ेगा क्योंकि जल्दी बन जाता है। अब इसके अंदर मैं टोमेटो को ऐड कर रही हूँ, मैं इनको इसमें बेले लीफ भी ऐड कर दूंगी। कर दिए, आप देख ही सकते हो, और इनको कर दिए। अब एक अच्छे से इसको भूनेंगे, और हम छोटा 3 वो आलू को कट करके रखे हैं, इसको बाद में डालेंगे, आप लोग को दिखाऊंगी वो भी। तो इसके अंदर जो चना में 1/2 किलो मैं पहले इसको डाल लेती हूँ, क्योंकि बहुत भारी है चना का कुकर, तो डाल के मैं दिखाती हूँ। देखिए मैंने चना को डाल दिया, अभी इसको अच्छे से भूनना पड़ेगा, क्योंकि चना में थोड़ा पानी था तो मसाला में पानी चल गया। इसको अच्छे से भूनना पड़ेगा। ऐसे भी आपको चना उठा के दिखा रही हूँ, देखिए चना मेरा एकदम बॉइल्ड हो गया है। तो इसको अच्छे से भूनते हैं, फिर आपको इसके बाद दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसको हम फ्राई कर रहे हैं, क्योंकि इसमें पानी है, चना को अच्छे से फ्राई करना पड़ेगा। और इसमें मैं आलू को देखिए कट करके रखी थी, 2 आलू, ज़्यादा नहीं है, इसको इसमें दे देते हैं, क्योंकि ग्रेवी थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, आलू बॉयल हो जाएगा। तो अब इसको अच्छे से, इसमें हम पानी नहीं देंगे अभी, क्योंकि वो ऐसा ही बनेगा, सबसे नरम हो जाएगा। अभी आलू कम दिए, और इसमें मैं अभी थोड़ा चना मसाला दे देती हूँ। देखिए मैं चना मसाला ऐड कर दी, बाद में इसमें हम गरम मसाला थोड़ा ऐड करेंगे, अभी नहीं, इसको हमने दीजिए अच्छे से हो जाए फिर। देखिए फ्रेंड्स, मैं इसमें अभी गरम मसाला को भी ऐड कर देती हूँ, क्योंकि चना मसाला देने के बाद इसमें गरम मसाला दे देती हूँ। हम देखिए सकते थोड़ा सा ज़्यादा नहीं देंगे, जब लास्ट में इसको उतारेंगे तो थोड़ा सा धनिया पत्तियाँ दे, धनी पत्ती जो होता है कोरिएंडर लीव्स वो ऐड कर देंगे, कोरिएंडर लीव्स को, वो ऑप्शनल है, आप लोग दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते हो। फिर मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, अभी ये बड़ा कप 1 कप पानी है, क्योंकि ज़्यादा पानी नहीं देने का इसमें, ये तो बॉयल्ड ही है ऑलरेडी, फिर आलू को बॉयल करने के लिए दिए हैं इसको, जैसे और बॉइल्ड हो जाए। ठीक है गाइस, तो ये होने के बाद आपको दिखाती हूँ, आप लोग पूरा वॉच करना, तो आप लोग को समझ आएगा, स्किप कर दोगे तो समझ नहीं आएगा। देखिए फ्रेंड्स, मेरा चना का सब्जी बन गया है, थोड़ा थोड़ा भी बबल्स आ रहा है, देखिए कितना यम्मी बना है। देखिए मेरा चना का सब्जी कंप्लीट है, मैं इसको पूरा धने पत्ती ऐड करने वाली हूँ। ये ऑप्शनल है, आपके पास होगा तो दीजिए, नहीं तो नहीं दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, टेस्ट ऐसे ही रहेगा।
आपके पास धनिया पत्ती नहीं होगा तो आप धनिया गुड़ा जो होता है वो दे सकते हैं इसमें, तो उससे भी अच्छा लगता है। मेरा तैयार हो गया है। तो गाइस आप लोग को चना का सब्जी कैसा लगा? भेज वाला बहुत प्रोटीन है इसमें और हेल्थ के लिए भी अच्छा है। तो आप लोग को कैसे लगे मुझे कमेंट करना। तो आप लोग ऐसे बना कर ट्राई करो, आई होप आप लोग को भी अच्छा लगेगा। क्योंकि आज वेज खाना है मेरे घर में, क्योंकि मेरे घर में नवरात्रि का नौवा दिन है आज, और बच्चे लोग को इन्वाइट की है तो वो लोग आएगा, तो वो लोग के लिए मेरे खाना बनाना है सब। मैंने लगभग 15 वो बच्चा बड़े मतलब बच्चे उसका मम्मी लोग के सबको मैंने इन्वाइट किए हैं मेरे घर, तो वो लोग आने वाले हैं इसीलिए बना रही हूँ मैं। तो आप लोग के घर में भी पूजा हो ऐसा तो आप लोग भी ये ट्राई कर सकते हो, पूरा वेज है, अच्छा लगता है, टेस्टी भी है। तो गाइस आप लोग को मतलब इस चना का सब्जी अच्छा लगे तो मुझे लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो गाइस आप लोग अच्छे रहिए, अपना ख्याल रखिए, मैं चलती हूँ। ओके टाटा।